भाई हिंदुस्तान में हर खेत में चलता है ट्रैक्टर, मैं हूं आपका जावेद एक्टर। हम याद है कितने कितने साल हमने शोज जज किए हैं, बहुत सारे सिंगिंग के शोज थे, हालांकि आई एम अ नॉन सिंगर। उस शो में मैं जज था तो मैं ऐसे देखता रहा, सोनू ने क्या जजमेंट दिया है यही कह देता हूं। तापसी जी, बस एक टच करना चाहता हूँ एक बार। अच्छा, मेरे को लगा आशीर्वाद। बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं इतना बड़ा फैन हूँ, यू विल नॉट बिलीव। पहले मैं गजले पन्नों पे लिखता था, अब मैं गजले पन्नों पे लिखता हूँ। और मेरे फैन बनने की हद देखिए, मेरा चार्जर भी जो है वो टाइप सी है। टाइप सी। वाह वाह वाह, जबरदस्त आप फॉर्म में है। ये घुटनों का दर्द था जो आपको पहले, वो ठीक हो गया? अरे हाँ, पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द हुआ करता था, फिर मैंने इस्तेमाल किया ये औरतों वाला तेल। जब से मैंने ये तेल इस्तेमाल किया है मेरे घुटने टनाटन हो गए हैं, बिलीव मी और नॉट। अंदर की बात तो ये है, फरहान की जब शादी हुई थी, पूड़ियाँ तलते वक्त तेल खत्म हो गया था, भाई साहब तब काम आया ये औरतों वाला तेल। सबके गले जाम हो गए लेकिन घुटने टनाटन हो गए थे। इनफैक्ट सोनू फरहान भी मेरे पास आया था, मुझे कहने लग गया कि डैड सब लोग मेरी आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा दे आर सपोर्टिंग यू, एंजॉय द मोमेंट। जावेद साहब, आपने फरहान की बात की तो फरहान की शादी में कोई म्यूजिक प्रोग्राम हुआ था क्या? म्यूजिक प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ था भाई, बीपराग आए थे। क्या बात है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। मैंने भी यही बोला, भी हम कैसे यकीन मान रहे कि तुम बीपराग हो। तो कहने लगा ठीक है, फिर मेरे पैर पे जोर से पैर देके दिखाओ। मैंने दे मारा पैर, दर्द से कर्रा उठा, ए रब्बा मैं तो की कह रहा। बस मैंने कहा यही आपको दो घंटे करना है। फटाफट एक बुलडोजर मंगाया, पैर पे रख दिया, 6 घंटे ही गेव अ शो। वी लव यू बीपराग एंड वी लव अस ऑल्सो। एक्टर भी आया था क्या आपके? तुम एक्टर नहीं, एक्टर्स आए थे, एंग्री सिंघम, अजय जी आए थे। भाई अजय जी का रुतबा बहुत है, फरहान के पास सीधे चले गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फरहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैंने कहा ओ एंग्री सिंघम पीछे आइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फरहान तो ठीक है, लेकिन आप जो ये यूं यूं चल कर गए हो, गिफ्ट आप ऋतिक को देकर आ गए हो। उसे गिफ्ट लीजिए और फरहान को दे दीजिए, आइए डिनर कीजिए और घर जाइए। दूसरे दिन मुझे सुबह फ़ोन करके बोलते हैं कि जावेद साहब ये क्या बच्चुलूटी है, ये क्या मजाक है, खाना इतना तीखा था, मेरी सुबह केसरी हो गई, सुबह केसरी। मैंने कहा बेटे इट वॉज अ प्रैंक, एंजॉय द मोमेंट। तमील है अभी तो, कब तो मस्ती। एक कहावत है, इसका मतलब है मैं आपसे प्यार करता हूँ। वाला सिंपल था ये वाला वर्जन। आप जो इतना प्यार करना इजहार कर रहे हैं जावेद साहब, कोई फिल्म देखी आपने? क्या आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है इनकी? मेरी फेवरेट फिल्म है नाम शबाना। यू आर वेरी नॉटी, आप पहले से ही आपने मेरी वाइफ के आप ही को अपना फैन बनाना था मैंने, इसलिए ही अपना नाम उस पिक्चर के अंदर शबाना रख लिया मैंने। Such an angelic personality. Please round of applause for her. काफी जी, मेरा एक सवाल हमेशा दिल में बैठा हुआ होता है आपके लिए खास। खा लीजिए सवाल। आपने फिल्म की थी मन मर दिया, अपना वुमन मर दिया क्यों नहीं की? मैं पूछती हूँ अनुराग कश्यप से, उसका कब मूड हो रहा है वुमन मर्जियाँ बनाने का? भाई मन मर्जी बनो, कोई भी मर्जी बनो, घर में सिर्फ वुमन की ही चलती है, पिक्चर होनी चाहिए तो वुमन मर दिया। तापसी जी एक डांस करना चाहता हूँ। वो तेल रेडी रखना आपने। अरे 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 हाँ भाई, इसका टाइम को देखो। To disco.
जान निकल गई मेरी। और भी बड़ी फैन हो गई हूँ मैं आपकी, आपकी ये जो धमाकेदार स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस, तेलम तेल परफॉर्मेंस जो आपने करी है अभी, गॉड इज ग्रेट, इसकी सेल्स इतनी बढ़ जाएगी आपको कोई आइडिया नहीं है। जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और तो वाला तेल फर्स्ट एंडोर्समेंट। थैंक यू गुड जॉब। अकेला ही चलाता चलता हूँ। थैंक यू आपसी जी, थैंक यू सोनू जी, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। Subscribe to Fehmi Mirchi for more Bollywood updates.